हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आरजे ब्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं देहरादून घूमने, और हमने सोचा है देहरादून जा कर के, आज छुट्टी थी तो हमने सोचा बच्चों के साथ जाएं और वहां पर कुछ बढ़िया सा एक हम चाह रहे हैं कि वो करें एक्सपेरिमेंट, और इनको एक वो दें, नए नए टास्क दें बच्चों को कि कुछ भी हो सकता है वो, कि तुम्हें ये करना है। तो सोचे में एक दो चीज़ें, जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो टास्क क्या क्या देंगे हम बच्चों को और कैसे इन्जॉय करेंगे, और ये बच्चे टास्क पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते, और उसके अलावा कौन जीतता है, ठीक है ना। तो बस सब बैठने लगे गाड़ी में, अर्नब को हमने लेना है ट्यूशन से, और उसके बाद सीधा हम यहाँ से देहरादून। ये देखो ये आ रहा भागते हुए ट्यूशन से, इसकी होगी छुट्टी और भागते हुए आ रहा घूमने के लिए। इसे पता हमने घूमने जाना है देहरादून। ये देखो हम जा रहे हैं देहरादून से, पहले इसने बोला कि आज उसका घर देखने, हमने बाबू भैया का, UK07 राइडर है जो ब्लॉगर। तो बहुत देर से ढूंढते ढूंढते लोगों से पूछते हमें ये तो पता था कि यहीं कहीं रहता है रानी पोखरी में, लेकिन अब ये नहीं पता कि कहाँ एग्जैक्ट रहता है। तो पूछ के हम जा रहे हैं, तो एक भाई ने बोला यहीं पर अब आगे जाकर के गली में लास्ट वाली गली है वहाँ से राइट है, देखते हैं मिलता नहीं मिलते और घर मिलता नहीं मिलता। पहले तो वो खुद बाबू भैया मिले ना मिले, लेकिन घर तो देख लिए बाहर से कभी आ, वो और ये अर्नब की डिमांड थी कि उसकी गाड़ियाँ जो नई नई गाड़ियाँ ला रहे हैं वो जरूर देखेंगे बाहर खड़ी हुई। सुपरा लाए अभी दुबई से, और पता नहीं कौन सी गाड़ियाँ हैं, तो देखते हैं। चलो तो मिल गई है गली हमें यहाँ से, भाई ने बताया एक कि यहाँ से लेफ्ट ले लो, देखते हैं। ये ले लिया लेफ्ट। हाँ यार घर तो यही है, थार खड़ी है देख, वो देख कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी अंदर है ना, बाइक भी खड़ी है उसकी सारी। जाओ उतर के पूछ ले, आंटी मिलवा दो, जाओ पूछ के आ जा। ये बाइक है, ये देखो बाबू भैया की गाड़ी खड़ी है, बाबू भैया लिखा है, और अर्णव बहुत एक्साइटेड हो रखा है। ये भागी जा रहे हैं बेल ढूंढने के लिए कि खिड़का के पूछते हैं अंदर है या नहीं है, हैं मिले ही नहीं। अबे यार हैं, चल फोटो खिंचवा दे यहीं थार पे क्या। तो भैया अभी उनकी मदर मिली थी, और मदर ने बोला कि बाबू भैया है नहीं, बम्बई जा रखे हैं अभी। तो मम्मी बड़े अच्छे से मिली उनकी मदर, और बाइकें खड़ी हैं देखो यहाँ पर, ये सब बाइकें हैं अंदर बहुत सारी है ना। तो बाइकें सारी खड़ी हैं इतनी महंगी महंगी, और ये कार तो देख ली इसने है ना। चलो फिर, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मिल जाएंगे तो नहीं क्या 10-12 दिन बाद आएंगे, फिलहाल मुंबई हैं। तो चलते हैं अब देहरादून हम वापस, चलो। तो ये देखो यहाँ पर आ गए हम देहरादून जा रहे हैं, बात इसकी बातें नहीं ख़त्म हो रही हैं, मज़े आ गए इसे तो आज है ना, कितना मज़ा आया। थे नहीं हाँ, क्या कह रहा था, नहीं ये कह रहा था कि क्या बोलते अपना वो थे ही नहीं बाबू भैया, तो उन्होंने की मम्मी ने कहा कि वो 10-12 दिन बाद आएंगे, तो मैंने पापा को बोला कि आप फिर अब कह रहे हैं कि 10-12 दिन बाद आएंगे, उनकी मम्मी ने बोला तो 10-12 दिन बाद फिर से ले आना मुझे मुंबई से, जब आ जाएंगे तब मिलवाने। तो अब क्या पता 10-12 दिन बाद मुंबई से आगे कहीं और चले जाए फिर, 15-12 दिन बाद आ जाएंगे। चलो देखते हैं अगर कभी आएंगे मिल, मतलब देखेंगे जब कहीं आएंगे जाएंगे, या स्पेशल एक दिन आ जाएंगे 10-12 दिन बाद, और क्या पता तुझे मिल जाए फिर, है ना। तो चलो, बट बाइकें भी बड़ी अच्छी थी उनके पास, बड़ी तो चलो कोई बात नहीं, तूने घर तो देख ही लिया है ना, बाहर थार भी देख ली, घर तो पता लग ही गया घर का है ना। चलो फिर तो अब चलते हैं, फिलहाल तुम्हारी देहरादून चैलेंज करने है ना। लो जी अभी अच्छी खासी धूप थी, और देहरादून एंटर करते ही बारिश हो गई, और इतनी तेज बारिश हुई है। हमारा पहले प्लान था सबसे पहले जा करके वहाँ पल्टन बाजार घूमने का, और अब तो प्रोग्राम वहाँ तो नहीं घूम पाएंगे, सीधा मॉल ही चलते हैं, या पहले कुछ खाना भी हमें, तो पहले कुछ खा करके फिर मॉल चलते हैं। और बारिश देखो कितनी तेज है, तो आ गए हम आनंदम में, और बारिश इतनी तेज हो रही है। तो फिलहाल गाड़ी लगा के मैं भी चलता हूँ अंदर। अभी फिर क्या मंगाना है, और अन्ना खाने भी लग गया है ना, मैंने एक पहली भी खा ली। चलो तो स्टार्ट करो, अभी फिलहाल इसके आ रहे हैं हमारी जपनूर की गोलगप्पे, इसकी आ रही चाट पापड़ी चाट, ये आ गई इसकी चाट गोलगप्पे। दोनों पानी आ गए, आलू और गोलगप्पे पन्नी के अंदर पैक हो गया है ना। एक मेरा, एक नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल नहीं।
क्यों बिल्कुल नहीं है? मेरे को वो गाड़ी में मार रहा था। चाट भी स्वाद लग रही देखने में है मेरी चाट स्वाद ले रही। चलो गाइस गोलगप्पे वाले ओए बनाइए अपना क्या रेड वाला है? हां हां रेड वाला मीठा होगा। देख लेते हैं बताओ खट्टा है ना वो वाला मीठा है? सही कह रहे हो। चलो खाओ और चाट खा ली भी ये चाट स्वाद लग रही बहुत। तो ये दोनों आ गए, इन्हें चैलेंज हम दे रहे हैं कि कोई सी भी पांच चीज़ें ढूंढेंगे विद इन अ 2 मिनट्स, ठीक है? और कलर हम दे रहे हैं इन्हें ब्लू और पिंक, जतनूर को पिंक, इसको अर्णव को ब्लू। और ये हम अंदर जाएंगे शॉप में और ये अपना स्टार्ट करेंगे चैलेंज। टाइम स्टार्ट कर रहे हैं 2 मिनट में, ठीक है? पहले स्टार्ट करते हैं, रुक जाओ अंदर आने दो, स्टार्ट करो। चलो इसे देखते हैं कहाँ भागी 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 भागी। पहले गाइस ये ले सकते हैं पिंक होना चाहिए, कवर भी पिंक। जल्दी दो ढूंढो जल्दी 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 आगे देख टाइम पिंक कुछ भी ले लो पिंक कलर का उठाओ उठाओ उठाओ। और कुछ स्टेबल भी लेनी है आइटमें ये देखा ही नहीं उसने देखो पिंक कलर का ये ले सकती थी पता नहीं क्या है देखा नहीं अभी भागी भाग आगे भागी कहाँ भी वो भागी उस सामने ये देखो पिंक। चलो ठीक है और नहीं 2 मिनट्स में इसको कुछ मिलेगा इतनी सारी चीज़ें हैं इसके लिए पिंक। यस 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 और बता तीन चीज़ें कहाँ 2 मिनट हो गए स्टॉप 2 मिनट्स हो गए 2 मिनट में इन्होंने इससे 4 चीज़ें ली हैं पिंक सिप पर। चलो अब ये भी करेगा चलो स्टार्ट करें ये देखो ये देखो ये भी आ गया इससे कुछ मिलेगा अब नहीं है तो जरूरी थोड़ा ना सिप पर भी ब्लू मिलेगा कहें ब्लू नहीं है ग्रीन है वो ये ब्लू ये ब्लू है। चलो मान लिया चलो और कुछ अब खाने के आइटम में खांगिया ढूंढना पड़ेगा भाग गया तो खांगिया भाई ये देखिए टॉफी का पैकेट उठा लिया इसने ब्लू कलर का और चलो यूजेबल तो ले ली अब ईटेबल चाहिए बस हाँ बस अब टाइम खराब कर रहा है होने वाला टाइम ये चलो हाँ ठीक है बस। तो अर्णव ने लिए 10 सेकंड ज़्यादा और इस चक्कर में हम जपनूर को भी 10 सेकंड फालतू दे रहे हैं ये आ गई अपनी जगह एक और चीज़ उठा ली ठीक है 10 सेकंड में इसने भी उठा ली अब दोनों की 5-5 चीज़ें होगी 2-2 मिनट में ना पूरे बस 10 सेकंड फालतू लगे दोनों को हाँ नहीं अब नहीं ये अच्छा चैलेंज करा दिया बच्चों का अब ये दोनों लग गए हैं रुचि और मम्मी लग गए अरे हम डाइनिंग टेबल के लिए पिकल का पिकल बॉक्स ब्लू वाली गाड़ियां थी ना इसको पसंद ही नहीं आ रहे पसंद ही नहीं आते से कोई चीज देखो खाने बर्गर ये आ गए बर्गर खाने से बर्गर खाने और बर्गर के लिए हम खड़े हो गए फिलहाल देखते हैं लाइन लगी हुई है कब नंबर आता है तो उसके आगे है जब तक ये बर्गर और फ्राइज साथ में कोल्ड ड्रिंक है ना चलो खाओ खाओ भैया को भी पिलाओ फिर वो भी खाएगा चाहे कोई बात नहीं खाओ भैया आगे दादी भैया दादी के साथ है यहाँ पे बर्गर किंग में चीज़ ऐड करवाई थी लेकिन बर्गर मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि उसमें चीज़ ही ऐड नहीं की चलो जब फूल खा रही थी उसने देखा चीज़ ऐड है लेकिन उन्होंने करी नहीं अब चेंज करके देखा अब उन्होंने वापस करके सॉरी बोला कि हाँ हमने भूल गए अब ये मुझे लगता है ऐसे करते होंगे अब इन्होंने चीज़ चेंज करके दिया मतलब चीज़ डाल के दिया नया हाँ वही ना चीज़ था ही नहीं उसमें सीधा कर दिया उल्टा कर दिया यस गाइस ये देखिए चीज़ है ना चीज़ ऐड करवाया था स्पेशल इसमें हाँ भाई होगी फिर शॉपिंग सब है
बस घूमना था, आज घूमना हो गया इसका है। बस एक एक एक, एक कमी रहेगी बस, बाबू भैया नहीं मिले है ना, बाबू भैया नहीं मिले ना, दिन बाद क्या पता मिल ही जाए। हाँ देखते हैं, चलो फिलहाल तो जा रहे हैं हम वापस यहाँ से, गेम से पहली बार गए, पहली बार ढूंढ भी लिया हमने घर, और फिर हम मिले नहीं, बस उसकी मम्मी मिल गई बाबू भैया की। तो आंटी ने बोला कि बेटा 10-12 दिन बाद आएंगे वो, तब आएंगे मतलब मुंबई से, तब आके चाहे मिल लेना। हमने ठीक है, तो ये आ गए हम कलसांग में, और कलसांग रेस्टोरेंट है, हमने सोचा था कि यहाँ पर आके कुछ चाइनीज ट्राई किया जाए, चलते हैं फिर। और चलो चलो पहले कुछ खाने चलते ऊपर, ऊपर बैठे। हाँ हाँ ये हाथ से करो, हाँ चलो 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 ऊपर चलो। ये फुपका नूडल्स, ये देखो। हाँ ये चीज़ अच्छी लगी है तो हमने ऑर्डर कर दिया, चलो। लेकिन ये देखो हर टेबल, ये लोगों ने हर टेबल पे कुछ ना कुछ टिश्यू में लिख के ना वो लिखा, काजल लव क्या है टिक्का ममता अपना अपना लिखा है, अपना अपना लिखा है। ये देखो साक्षी कृष्ण दाल तो नीचे, अच्छा सबने अपना अपना लिखा है। ये हाथ में क्यों छुपा रही है, ये अपना नहीं लिखा है कुछ, लड़के दादी लड़की दादी लड़की दादी लड़की दिखाओ ना, एक बार दिखा देख लेंगे सब, आप दिखाओ ना फिर ऐसे नहीं है ढंग से लिखा, जपनूर भी लिख दिया, दिखाओ जपनूर किसका लिखा है, हमारे नूडल्स और मोमोज आ गया हमारा ऑर्डर नूडल्स, और ये देखो कितने बढ़िया तरीके से मोमोज आए हैं, खोलो 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 खोलो, अरे इसमें नहीं है इसमें होगा सब कुछ भी नहीं, खाली दे दिया मेन्यू की बेइज्जती, बेइज्जती उसमें रखो, उसी में रखो ना, ये खोलना जरा से जल्दी, वो ऐसे निकाल देगा ऊपर नीचे स्टीम में गरम रहता है, खुलेगा ये खुल गया खुल गया, और ये नूडल्स कितना अच्छा ना, ये देखो है ना लाइट कितनी प्यारी लगी है, देखो पीछे की सीनरी, अभी चॉपस्टिक अभी आ गई, चॉपस्टिक आ गई भैया, टाइम मार दे, टाइम ले लो टाइम ले लो, सब ले लो, चलो डालो, सर्व करो सर्व करो, गाइस खोलते हैं ना, अर्नब देखता हूं मैं आज कैसे खाता है ये, भैया रहे लोड़ना, देखो मैं आपके हाथ से खा रहा हूँ, मेरे वाले क्यों खा रहे हैं, चलो खा जा रहे ना, अब रुचि को देखते हैं रुचि खा पाएगी नहीं खा पाएगी, मैं तो नहीं खा रही, मैं तो चॉपस्टिक से नहीं खा रही है, चलो जपनूर खा रही है, खाओ इसको तोड़ते हैं, देखो नहीं तोड़ते नहीं ऐसे ही खा, नहीं मैं खा के दिखाती हूँ, वैसे मैंने ऑनलाइन देखा है कि जब नहीं इसको तोड़ते नहीं है ऐसे, अरे इसको ऐसे ऐसे कल मैं सीख रही थी ऐसे ऐसे, बस बस रहने दो तुम, तुमसे ना हो पाएगा ये, अर्नब तो खा रहा भाई सही, हम लोग निकल रहे हैं वापस जा रहे हैं यहाँ से, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज और नूडल्स थे, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो बैठने का व्यू मतलब, और जो वो है ना एक इतना बढ़िया बना रखा है, इतना प्यारा है, और ये देखो ऐसे बैठने का है, मज़ा आ गया बहुत ही बढ़िया लगा, मम्मी भी स्टार्ट होगी, चलो 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 तो चलते हैं, अब देखते हैं कहाँ जाना है इन्होंने, तो अब हम वापस जा रहे हैं क्लॉक टावर से होते हुए, घंटा घर आ गया, और यहाँ से हम सीधा ऋषिकेश के लिए वापस, क्योंकि बहुत घूम लिया आज, और शॉपिंग भी होगी, शॉपिंग भी होगी, और बहुत सारा खाया भी और एंजॉय भी किया है भाई अर्नब, हाँ। मजा आया, यस देख जब नूरी बैठी अपने आराम से अपने उसके साथ टेडी बियर के साथ है ना, तो अब हम वापस जा रहे हैं, हाँ जी फिर ये देखो। घर पहुँचते ही सब वो हो गया है, नहीं
हाँ क्या हुआ, बस यही खोला हमने। चलो ठीक है, तो मैंने इतनी सारी कॉफी चॉकलेट है वो बोली क्या कहते हैं उसे, कोकोनट। तो गाइस पहुंच गए हम वापस घर पे, और घर पहुंच के सुबह से बहुत इंजॉय किया दिन में। आज सबसे बढ़िया बात जो रही व्लॉग की वो ये रही कि आज बाबू भैया से हम मतलब घर देख लिया, बाबू भैया का मिल नहीं पाए, थोड़ा सा बुरा सा लगा लेकिन ठीक है, बाबू भैया का घर देखा हमने, है ना। और घर में इसने बाहर थार भी देखी, आंटी से ही मिला, उनकी मदर से मिला। और क्या आज हमने सेम टी शर्ट पहनी। हाँ यार थोड़ा मिलती जुलती बनी हुई है ना। ठीक है तो ठीक है गाइस, बताइए कैसा लगा ये ब्लॉग, और देखते रहिए आगे भी, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर गाइस। और ये ब्लॉग मेरा जो देहरादून का बना है, और हम लोग अगली बार सोच रहे हैं फिर से देहरादून जाकर के एक नए मॉल में घूमें, एक नया मॉल खुला है वहाँ, तो वो भी आपको दिखाएंगे जल्द से जल्द। तो बाबू भैया से भी और बाबू भैया से भी मिलेंगे हम। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर।